भाई वेलकम टू अवर व्लॉग। और हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने। यहाँ पे हम है चुलकाना धाम में पानीपत के पास। तो भाई क्या हुआ था वहाँ पे बताओ थोड़ा सा, जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे खाटू श्याम है। खाटू श्याम का मंदिर वहाँ पे, मतलब खाटू श्याम का धड़ है जो वहाँ कटा था। अच्छा, तो इसलिए वहाँ खाटू श्याम का मंदिर है। ये जो गाँव है चुलकाना धाम के नाम से मशहूर है ज्यादा। और अब ये किस रोड पे खड़े हम? चुलकाना, चुलकाना रोड पे। तो आपको लेके चलते हैं। सौरभ भी आई था भीड़ी दीवा पापा के परिवार। ऐसा हम लोग पहुंच चुके हैं, देख लो आप लोग। ले ले ले, भाई हम जाने हैं। अब इन्वेंटर कर चुके हैं, एक फूल लिया है जो 10 रुपए का मिला। और इसमें क्या भाई, चूरमा ना, देसी घी वाला जो भी पैक करवाया, ये रहा देसी घी का चूरमा। और भाई 50 रुपए में, क्या बात है। चलो चलते हैं अंदर। पेड़ में जितने भी पत्ते हैं सब में होल हो रहे हैं, छेद हो रहे हैं, मतलब इतने बढ़िया दर्शन। और सुबह सुबह में हमें दर्शन कर लिया हमने, प्रसाद चढ़ा दिया। नंदन की जय, बोलो की जय, हारे के सहारे की जय, लगदा श्याम प्यारे की। भाई ये देखो, इनका श्री श्याम देवाय नमः। चुलकाना धाम में आप सभी का स्वागत है। यहाँ पे भीड़ होती है ना इस सारे में ना, मतलब पूरा रख रखता है, इन्हें तो घूमने घूमने जाना पड़ता होगा बंदे। और ये एंट्री गेट है, अभी बाहर से नहीं बनता। खाना धाम में लखीसर नाम का मंदिर है ना, यहाँ पे मंदिर नया बना है एकदम से। और भाई मंदिर से बाहर आके आगे तुम्हारा क्या सवाल है? भाई दर्शन किए, बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए, वापस निकल गए हैं। और अगर आपको यहाँ पे आके दर्शन करने हैं तो बस गूगल पे सर्च करना पड़ेगा चुलकाना धाम, और यहाँ पे आराम से आ जाना। और पानीपत के पास एक सिटी है दूसरी, समलखा, और वहाँ के स्टेशन जाके आपको उतरना होगा कहीं से। अगर आप अम्बाला से आ रहे हो या फिर दिल्ली साइड से आ रहे हो, और यहाँ पे पहुँच जाना आसानी से, ठीक है। और ये ब्लॉग अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर करना पेज पे, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। अगले ब्लॉग में मिलेंगे बहुत जल्द। ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।